दीपक को स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइज, आपको इस चैनल पर टेक, इंटरनेट प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, ऐप रिव्यू, मोबाइल टिप्स आदि से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अगर आपने अभी तक भी दीप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने पर भी अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो गाइज निराशा होती है और वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन नहीं मिलती। तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सो गाइज, आज जो मैं आपको एपिन देने वाला हूँ वो कल वाले से हटके होगा, क्योंकि जो मैंने कल आपको एपिन दिया था वो ओनली जियो के लिए दिया था। बट आज जो मैं आपको एपिन देने वाला हूँ वो हर एक डिवाइस नेटवर्क पे काम करेगा, चाहे आपके पास कोई भी नेटवर्क हो, आइडिया, वोडाफोन, BSNL या फिर एयरटेल या जियो, आपके पास जो कोई भी अगर सिम है तो वो हर एक सिम में काम करेगा। तो कैसे करना कैसे ये काम करेगा, तो उसके लिए चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में, यहाँ पे सबसे पहले आप वो वाला सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको ये सेटिंग करनी है। तो मैं सिम 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक एपन जो है वो ऑटोमेटिक है, ये डिफ़ॉल्ट एपन होता है और इससे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक न्यू फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो न्यू फॉर्म जैसे ही आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले नेम में आपको टाइप करना है गाइस ऑटोनम। तो ये कैसे टाइप करना है मैं आपको जैसे जैसे दिखा रहा हूँ तो ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना है। ओटोमन LTE स्पेस LEAVES लीव्स। तो गाइस सेम टू सेम आपको नेम में ये लिखना है, और इसके बाद एपन आता है। तो एपन में जैसे कि मेरे पास जियो है तो मैं लिख लेता हूँ जियो नेट। अगर आपके पास एयरटेल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो airtelgprs.com। अगर आपके पास आइडिया है तो आप यहां पे लिख सकते हो इंटरनेट, और आपके पास BSNL है तो आप यहां पे लिख सकते हो BSNL नेट। अगर आपके पास वोडाफोन है तो गाइज आपको आप यहां पे लिख सकते हो vodafone.net, या फिर www से भी आप काम चला सकते हो। बट मेरे पास जियो है तो मैं जियो नेट लिख के इसको सेव कर लेता हूं। और चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएगा प्रोक्सी पोर्ट नो सेट रहेगी, दोनों यूजर नेम पे आते हैं। तो यूजर नेम में गाइज यहां पे आपको लिखना होगा स्पीड डॉट ऑटोमन, ये गाइस आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना है यूजर नेम में। लिखने के बाद पासवर्ड आएगा नो सेट रहेगा, सर्वर पे आपको www के साथ गूगल लगा देना है, और इसके बाद कॉम भी लगा देना है .com, ये गूगल का सर्वर है, इसको सेव कर लेना है। इसके बाद आता है गाइस MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC, ये सब कुछ नो सेट रहेगा। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको क्लिक करना है PAPO CHAPP पे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एपन टाइप, तो एपन टाइप में आपको यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट कॉमा MMS, ये आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट आएगा एपन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है IPv4/IPv6। एपन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको क्लिक करना है IPv4/IPv6। और गाइज लास्ट आता है वेगार्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एपन सेटिंग के लिए और आने वाली, और जो मैं बता चुका हूँ एपन सेटिंग उन सभी के लिए। तो मतलब वेगार्ड जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको अच्छे से आपको सेलेक्ट करने है जो जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले LTE को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज ये आपको सेलेक्ट करना है UMTS, EDG और GPRS, आपको ये चारों सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके डिवाइस में एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होता है तो आप LTE को सेलेक्ट करके बाहर आ सकते हो, और बाहर आने के बाद इसे एपन सेटिंग को सेव कर सकते हो। तो सेव करने के बाद आपको जब एपन सेटिंग यहाँ पे शो हो जाएगी तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के साथ आपका जो इंटरनेट है वो कुछ सेकंड के लिए चला जाएगा और वापस भी आ जाएगा कुछ सेकंड बाद ही। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है वो आ चुका है, और मैं अब आपको ले चलता हूँ वापस स्पीड टेस्ट ओखला की तरफ, क्योंकि हमें इसकी स्पीड भी देखनी है, क्या इसकी स्पीड हमें मिलने वाली है। तो स्पीड दिखाने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने डिवाइस को रिबूट या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा या फिर रिस्टार्ट कर लीजिएगा। तो गाइज मैं अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। इससे होता ही है कि हमारा जो न्यू एपन होता है वो इंटरनेट से अच्छे खासा अटैच हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छी खासी स्पीड मिलती है। तो गाइज मैं अपने सेट को रिस्टार्ट करता हूँ। सो गाइज मैंने कर लिया अपने फ़ोन को रिबूट। रिबूट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं स्पीड टेस्ट ओखला में इसकी क्या स्पीड हमें मिलने वाली है। तो जो भी स्पीड होगी गाइज वो अच्छी खासी स्पीड ही होगी, क्योंकि जब भी कोई एपन हम सेट करते हैं, और मैं तो वैसे भी एक क्रिएटर हूँ, क्रिएटर की जो स्पीड अगर कम हो जाए तो गाइज वीडियो बनाने का भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही वीडियो अपलोडिंग और डाउनलोड की स्पीड स्टार्ट होगी वो
अच्छी खासी होगी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हाई होगी और बिल्कुल लो भी नहीं होगी, बट इतना होगा कि अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है, एक मूवी डाउनलोड कर सकते हो आप आराम से, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। अपलोडिंग में भी आप अगर आप कुछ अपलोड करना चाहोगे तो वो भी आसानी से अपलोड हो जाएगी। तो गाइस ये जो A10 सेटिंग है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेटिंग है हर एक नेटवर्क को और हर एक डिवाइस के लिए। तो गाइस एक बार इसी A10 सेटिंग को करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये A10 सेटिंग कैसे लगे। सो गाइस मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर।